नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। एचडीएफसी एमसी स्टॉक का प्राइस उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, जैसे ही प्राइस उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करेगा, आने वाले टाइम में बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके साथ एचडीएफसी एमसी जो यहाँ पे 70 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पे जून 18। अगर आपको 70 रुपीज का डिविडेंड चाहिए तो आपके पास एचडीएफसी एमसी का शेयर होना चाहिए जून 18 से पहले, एंड आपको जो डिविडेंड आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बिफोर जून 30। तो इस स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, डिविडेंड अच्छा खासा मिल रहा है, उसके साथ जिस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है एचडीएफसी एएमसी का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए प्राइस यहां पे लिस्ट होने के बाद एक बेस कंस्ट्रक्शन क्या था, उसके बाद देखिए फाइनली प्राइस यहां पे बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। प्राइस जब भी देखिए अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है, और लोअर बाउंड्री से देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम में अभी हमको डिमांड देखने को मिला है, एंड एग्जैक्टली प्राइस के लिए जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस एंड लाइफ हाई का जो रेजिस्टेंस था 3860 के आसपास, उसका मेजर रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर कभी भी किसी भी स्टॉक का प्राइस उसका मेजर रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन होता है, इसका मीनिंग है कि आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, जैसे ही प्राइस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि देखिए उसका प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है, मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मीनिंग है कि उसी डायरेक्शन में प्राइस ब्रेकआउट कर सकता है। और जिस टाइप का स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल रहा है, जैसे ही प्राइस यहां पे रेंज को ब्रेकआउट करेगा ना, तो नेक्स्ट अप मूवमेंट आ सकता है। अगर रेंज का अपर बाउंड्री देखेंगे, वो बन रहा है नियरली 4080 के आसपास। जैसे स्टॉक का प्राइस यहां पे 4080 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, एंड प्राइस देखिए फाइनली यहाँ पे इसी रेंज को फॉलो कर रहा है, एंड जिस टाइप का कंसोलिडेशन के बाद रेंज को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अगर आप यहाँ पे टारगेट मेजर करेंगे, देखिए लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, एंड वहाँ पे टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन को। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1.6182 का फिबो लेवल, जो कि बन रहा है 5250 का। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, उस हिसाब से आपका क्वांटिटी एंड रिस्क को मैनेज कीजिएगा। अगर आपके पास है आपको होल्ड करना चाहिए एंड फ्रेश एंट्री करने के लिए, जैसे ही प्राइस इसी रेंज को ब्रेकआउट करके वीकली क्लोजिंग आएगा, वहां पे फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, तो देखिए सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, उसके साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर देखिए होल्ड कर रहे हैं 52.55%, एंड एफआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखिए 3% इंक्रीज किए हैं, एंड डीए के पास माल है 18.37%, एंड पब्लिक होल्ड कर रहे हैं ओनली 9%, जो कि मैनेजेबल क्वांटिटी है, बिलो 20% है। इस स्टॉक को रडार में रखिएगा, एनालिसिस को हार्ड कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। मैं आशा करता हूं आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।